आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काला बुखार, ब्लैक फीवर आपने सुना है। भारत में 2014 में 9200 के करीब केसेस आते थे, अभी 2021 में लगभग 1200 के करीब केसेस आए, लगभग इराडिकेट हो गया है काला आजार। देखिए, या तो आपको बैक्टीरिया से होगा कोई बीमारी, या वायरस से होगा, या प्रोटोजोआ से होगा। तो ये जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, ये छोटे छोटे खतरनाक मॉन्स्टर्स आपके सेल टिश्यू को इन्वेड करेंगे और बीमारी फैला देंगे। अमीबा, फ्लैजिलस, ये होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। तो काला आजार जो है उसके केसेस मिले हैं बंगाल के 11 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड और बिहार में कुछ जगह पे केसेस मिले हैं। अब 60 के करीब केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं, जो कि थोड़ा सा सीरियस है, ठीक है। क्यों सीरियस है? क्योंकि वेस्ट बंगाल में काला आजार या ब्लैक फीवर लगभग इराडिकेट हो गया है। हम बात करेंगे काला आजार क्या होता है, लेकिन आप समझिए कि यहां पे ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट में केसेस जो है मिले हैं और अभी हम सारे केसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और स्टेट विल बी एबल टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। परेशान होने की बात नहीं है, सिचुएशन संभाल लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले काला आजार होता क्या है? काला आजार को विस्केरल लिशमैनियसिस कहते हैं, बहुत खतरनाक नाम है। जब हम लोग 10th में थे तो ये पढ़ते थे, ठीक है। 10th क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड से था तो बायो की अलग किताब होती थी, तो उसमें लिखा था। तो भैया ये जो नाम है ना, ये बड़े खतरनाक होते थे। और ये सैंड फ्लाई से ये होता है। सैंड फ्लाई पता है ना, ब्राउन कलर की होती है, सर पे बाल होते हैं उसके, ठीक है, एकदम मस्त हीरो टाइप की लगती है वो। और बेसिकली ना, ये जो मडी हाउस होते हैं ना, जो कच्चे घर होते हैं उनमें जो क्रैक्स होते हैं ना, वहां पे मिलती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि देखिए, वैसे तो आजकल सभी के पक्के हाउस हो, पक्के घर हैं, मडी हाउस कौन बनाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो ये उन जगह पे ज्यादा होते हैं जो एरियाज थोड़े से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, जो थोड़े गरीब होते हैं, उनको ज्यादा सैंड फ्लाई परेशान करती है। और अगर सैंड फ्लाई जो है वो इन्फेक्टेड है लुश्वेनिया डोनोवेली से, यही मेन वेक्टर होता है, तो फिर आपको काला आजार हो जाएगा, ठीक है, या ब्लैक फीवर। अब ये जो वेक्टर सैंड फ्लाई है, जैसा कि मैंने बताया, ये मडी हाउस जो कच्चे मकान होते हैं वहां पे रहते हैं। WHO के हिसाब से 3 तरीके के लुश्वेनिसिस हैं, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक है काला आजार, ठीक है। अब ये जो डिजीज है, ये पुअरेस्ट पीपल, जैसा कि मैंने बताया, इसमें इम्यून सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो और मुश्किल। ऊपर से कच्चे मकानों में सैंड फ्लाई पाई जाती है, फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आजकल सैंड फ्लाई जो है ना वो ज्यादा देखने को मिल रही है। अब किस सैंड फ्लाई में काला आजार हो आपको नहीं पता है, तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, वीक इम्यून सिस्टम या लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि एक बार आपको ब्लैक फीवर हो गया तो खर्चा हो जाता है ना, तो वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। 90% नए केसेस जो है WHO के हिसाब से 10 देशों में आए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ये प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन 90% केसेस 10 देशों में आए, जिसमें भारत भी एक है और अफ्रीकन कंट्रीज आप देख सकते हैं, ब्राजील हो गया, चाइना, इथियोपिया, इरिट्रिया, इंडिया, केनिया, सोमालिया, साउथ सुडान और यमन, ये 10 देश हैं। अब इससे पहले दोस्तों, आगे पढ़े आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिस्ट्री का जो सेशन है वो लाइव होने वाला है, लाइव हो गया इनफैक्ट। तो सोहेल सर आपको पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शन हम बहुत ही कम दामों में आपको दे रहे हैं, तो ये हमारा आपसे वादा है कि इस बार UPSC हम आपका निकलवाएंगे। और अभी मैं लाइव आ रहा हूं 12 बजे, तो आप जरूर आइएगा। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, दार्जिलिंग, हिल स्टेशन, मालदा, उत्तर दिनापुर, दक्षिण दिनापुर, कलिंगपोंग, यहां पे सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पाए गए हैं। उसके बाद फिर बीरभूम हो गया, बंकुरा हो गया, पुरुला हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट में केसेस मिले हैं। अब देखिए, बिहार और झारखंड में भी कुछ केसेस मिले हैं, लेकिन यहां पे प्रशासन यही कह रहा है कि चीजों को हम कंट्रोल कर लेंगे। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात है, इसको ब्लैक फीवर क्यों बोला जाता है, ठीक है। पहली बात तो इसमें आपको बुखार आएगा और इररेगुलर रहेगा, बुखार आएगा उतरेगा, आपको लगा ठीक हो गया लेकिन फिर बुखार एकदम से तेज आ जाएगा, फिर उतरेगा, तो सबसे बड़ी ये। उसके बाद आपका वेट लॉस होगा, भैया ब्लैक काला मतलब आप समझ रहे हो, जहां पे काला जुड़ जाए वो बहुत डेंजरस है, ठीक है, आप एकदम सुकड्डी टाइप हो जाओगे इस, अगर इसने आपको पकड़ लिया तो, भगवान ना करे पकड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत तेजी से वेट लॉस होता है, आपका स्प्लीन बड़ा होता है, लिवर को ये इफेक्ट करता है। लिवर को वैसे ज्यादातर जो
वायरस होते हैं ना वो लिवर पे, लिवर के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है, और अनिमिया, और आपकी जो स्किन है वो एकदम ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पैचेस, एकदम डार्क पैचेस आपको देखने को मिलेंगे स्किन पे, इसीलिए इसको ब्लैक फीवर भी बोला जाता है। और उसके बाद आपकी जो स्किन है, ठीक है, वही उसका जो कलर है वो धीमे धीमे चेंज होने लगेगा, ठीक है, आपकी स्किन जो है ना वो ग्रे में कन्वर्ट होने लगेगी, हैंड्स, फीट, एब्डोमेन, फेस, यहां पे भी, यानी कि पूरी बॉडी काली पड़ने लगेगी, लगेगा कि भैया किस, कौन से सांप ने डस लिया है, इसीलिए इसको ब्लैक फीवर बोला जाता है। ट्रीटेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है, दवाई से इसको ट्रीट किया जाता है, दवाइयां दी जाती है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको काला आजार या ब्लैक फीवर नहीं होगा। इसमें समझिए कि जिनका इम्यून सिस्टम बढ़िया है वो नहीं, और जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है दिक्कत। अब इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए क्या करें, जितना ज्यादा हो सके हेल्दी खाएं, जितना बढ़िया खाना हो सके, बैलेंस्ड डाइट हो सके, न्यूट्रिशियस डाइट हो सके वो ले, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। अब मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है, बिल्कुल वेक्टर कंट्रोल भी रिकमेंडेड है। देखिए अब इसमें या तो सैंड फ्लाई को मार दो, सारी की सारी सैंड फ्लाई को मार दो, तो ऐसे भारत ने भी प्रोग्राम चलाया है, काला अजर एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है भारत में चलाया है, और ये WHO ने भी बोला है कि भैया इसको कंट्रोल करने का यही तरीका है, जो वेक्टर है ना जहां से फैलता है आप उसी को ही खत्म कर दो, खेल खत्म, बाकी जो मेडिसिन हैं उनसे भी काला अजार या ब्लैक फीवर को ट्रीट किया जाता है। बट क्या ये खतरे की घंटी है, देखिए वो तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, ये सैंड फ्लाई से होती है, ठीक है ना, ये सैंड फ्लाई से फैलती है, तो अभी फिलहाल कंट्रोल किया जा रहा है, देखेंगे आगे क्या होता है। आजकल बीमारियां जो है ना बड़ी खतरनाक खतरनाक टाइप की आ रही है, मतलब जो एलिमिनेट हो गई थी चीजें वो दोबारा उभर के आ रही है, तो ये है। बाकी हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, कुछ रही पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।